नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का 11th क्वेश्चन से जो हम स्टार्ट करेंगे। पहले जो फर्स्ट से 10 क्वेश्चन है हमारे, वो हमारी पहली वीडियो में है। अगर आप वो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारी इससे पहले वाले वीडियो देखें, और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 11th जो है आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th की जो स्टेटमेंट है हमारे पास है, वो जो है ए बी सी कोई भी 3 पॉइंट है हमारे पास है, और वैल्यू है जो ए बी सी की 1, 4, 2 और -2, 1, 2 एंड 2, -3, 4। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी और सी। इस तरीके से आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमने जो एंगल निकालना है ट्राइंगल ए बी सी का, सबसे पहले हम जो एंगल ए निकालेंगे। एंगल ए के लिए हम सबसे पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और ए सी के, ए बी के डायरेक्शन रेशियो और ए सी की। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ जाएंगे, बी में से हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3, -3 और 0। ए और सी के रेशियोज निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1, -7 और 2। अब हमारे पास जो है कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, वो जो है होता है a1a2 + b1b2 + c1c2 अपॉन अंडर द रूट a1 स्क्वेयर + b1 स्क्वेयर + c1 स्क्वेयर, a2 स्क्वेयर + b2 स्क्वेयर एंड + c2 स्क्वेयर। तो आपके पास ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 और c2। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये -3 + 21 + 0 वैल्यू जो है आ जाएगी, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा √18 एंड √54। तो ये आ जाएगा 18 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं √18 √18 × 3 जो हम इसको लिख सकते हैं। अब इस 18 से जो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √3। यानी कि जो ए एंगल है, यहाँ पे ए लिखिए आप, तो ये आ जाएगा cos inverse 1/√3। उसके बाद आपको निकालना है बी के जो है एंगल, यानी कि ये बी एंगल निकाला तो हमें चाहिए बी ए और बी सी। तो आप निकालेंगे बी ए, बी ए के डायरेक्शन रेशियो जो हैं आपके पास वो मिलेंगे 3, 3 और 0, एंड बी सी के डायरेक्शन रेशियो जाएंगे 4, -4 एंड 2। तो कोस बी की वैल्यू जो है आ जाएगी, उसी तरीके से जो फर्स्ट में फॉर्मूला है a1 a2 वाला, वही हम पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 4 + 3 × -4 + 0 अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 9, यानी कि 18, और ये आ जाएगा हमारे पास 4, 16, 16 और 4, यानी कि ये जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ये -12 से 12 कैंसिल, तो यानी कि बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2 एंगल जो है आ जाएगा। अब हम निकालते हैं सी एंगल, कोस सी एंगल निकालेंगे। उसके लिए हमें जो है सी ए चाहिए और उसके बाद सी बी जो हमें चाहिए। तो सी ए के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगी -1, 7 और -2, सी बी के कोऑर्डिनेट -4, 4 और -2 जो है हमारे पास है आ जाएंगे। अब हमें निकालनी है कोस सी की वैल्यू, तो ये आ जाएगी कोस सी की वैल्यू 4 + 28 एंड + 4 / √36 एंड √54। तो ये आ जाएगा 36 / √36, और यहाँ से भी आप जो है रूट से ये कैंसिल, और ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आ जाएगा √2/3। यानी कि सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी cos inverse √2/3। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए आप ट्राइंगल के जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। ए है हमारे पास 3, 5 और -4, एंड बी हमारे पास है -1, 1 एंड 2, सी हमारे पास है -5, -5 एंड -2। तो आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं साइड के। तो ये आपके पास ट्राइंगल है कोई ए बी सी, तो सबसे पहले आप ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। इसके डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला हमारे पास b - a, यानी कि -4, -4 और 6 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं ए बी के, वो हमारे पास आएंगे -4/16, 16 एंड 36। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा -4/√17। उसके बाद हमारे पास जो है हम निकालेंगे बी सी, इसी तरह से जैसे 4 का है अगेन इसके साथ निकालेंगे, तो ये भी -4/√1 करेंगे
तो वैल्यू आएगी 68। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस टू अपॉन रूट 17, तो इसका भी सेम एज, तो यानी कि माइनस टू अपॉन रूट 17। थर्ड जैसे कि ये हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन रूट 68, यानी कि 3 अपॉन रूट 17 जो है वैल्यू आ जाएगी। अब आप डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे बी सी के, बी सी के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे माइनस फोर, माइनस सिक्स और माइनस फोर, तो ये आ जाएगा इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है हमारे पास आएंगे माइनस फोर अपॉन, इसकी भी वैल्यू जो है वही हमारे पास जो है 68 आ जाएगी, यानी कि माइनस टू अपॉन रूट 17, इसके साथ करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन रूट 17, इसके साथ तो माइनस टू अपॉन रूट 17। अब आप निकालेंगे सी ए के डायरेक्शन रेशियो, सी ए के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आएंगे 8, 10 और माइनस टू, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो निकालेंगे वो आ जाएंगे 8 अपॉन, इन सब का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 168, तो यानी कि 4 अपॉन 42, इसके के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 10 अपॉन रूट 168, यानी कि 5 अपॉन रूट 42, और माइनस 2 अपॉन 168 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 42। इसी के साथ अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 एंड 2 एंड 2 1 एंड माइनस 1। हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालें एक लाइन के जो कि परपेंडिकुलर है एक लाइन दूसरी लाइन के साथ, और जो इस लाइन के साथ वो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज इन दो पॉइंट्स के प्रोपोर्शनल जो है गिवन है। तो हम मान लेते हैं कि एल एम एन जो है, एल एम एन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ लाइन के विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, जो कि परपेंडिकुलर दूसरी लाइन पे और जिसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो जो है और प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है 1 माइनस 1 2 और 2 1 माइनस 1 के साथ। तो अब जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर L1 L2 एक तो L तो L एज इट इज, एक ये पॉइंट करेंगे L डॉट 1 और प्लस M डॉट माइनस 1 प्लस N डॉट 2 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी L माइनस M प्लस 2N इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरे पॉइंट के साथ करेंगे तो 2L प्लस M माइनस N इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे L की वैल्यू, M की वैल्यू और N की वैल्यू। L की निकालेंगे तो ये 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, इधर से निकालेंगे तो ये 2 टू 4 प्लस 1, इधर से निकालेंगे तो 1 प्लस 2, तो ये जो है हमारे पास एल एम एन की वैल्यूज जो हैं आ जाएंगी। तो एल अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू एम अपॉन 5 एंड एन अपॉन 3 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर का रूट अपॉन माइनस 1 स्केयर प्लस 5 स्केयर और प्लस 3 स्केयर, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 35। तो एल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन रूट 35, एम की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन रूट 35 और एन की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन रूट 30। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 213 एंड 028। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है ये जो इन पॉइंटों को मिलाता है, इस लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन निकालनी है हमने, और जिसके जो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हैं डायरेक्शन रेशियोज वो हैं 1, 2 और 2। अब जो है हम ये जो पॉइंट जो है इसको ऐसे जो है हम ये हमारे पास मान लेते हैं ए डैश पॉइंट है, ये बी डैश पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ये कोई एल एम जो है कोई लाइन है। तो हम जो है डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं एल एम लाइन के, एल एम लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे हमारे पास 1 अपॉन 3, इसका निकालेंगे तो 1 अपॉन मतलब कि 4, 4, 8 और 9, 9 का रूट 3, तो 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3। अब हम निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का ऑन एल एम पे, इसका प्रोजेक्शन इसी पे तो आएगा, तो हम जो है प्रोजेक्शन निकालेंगे ए बी का। उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू 1/3
और एक्स टू की वैल्यू 0 और एक्स वन की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 एंड प्लस 2 बाय 3, एम टू की 2 और ये 1, तो 1 यानी कि, और एन की 2 बाय 3, तो ये 8 में से 3 गया 5 है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10/3। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 की जो है बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए, ये कोई भी ए पॉइंट है 103, एंड टू द ज्वाइन पॉइंट बी, ये कोई बी पॉइंट है, ये सी, इसकी वैल्यू है 4, 7 और 1, और सी की वैल्यू है हमारे पास 3, 5 एंड 3। तो हमें जो है इस पॉइंट के यानी कि डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हम लेके चलते हैं कि ये इसको जो है के रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं, ये लाइन इस बी सी लाइन को। तो जो है डी के कोऑर्डिनेट यहाँ से के और मल्टीप्लाई सी प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई बी अपॉन के प्लस 1 जो है आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट डी के क्या आएंगे, के इंटू 3 यानी कि 3 के प्लस 1 इंटू 4 अपॉन के प्लस 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास ये 5K प्लस 7 अपॉन के प्लस 1। नेक्स्ट आएगा 3K प्लस 1 अपॉन के प्लस 1। अब डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं हम ए डी पॉइंट के। ए डी डायरेक्शन रेशियो यानी कि डी माइनस ए, तो 3K प्लस 4 अपॉन के प्लस 1 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2K प्लस 3 अपॉन के प्लस 1। ऐसे ही जो सेकेंड कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5K प्लस 7 अपॉन के प्लस 1, क्योंकि ये तो 0 है। थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 अपॉन के प्लस 1। अब हम जो है डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं ऑफ BC के। BC के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो हमारे पास जो आ जाएंगे माइनस 1, माइनस 2 एंड 2। अब AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। माइनस 1 इंटू 2K प्लस 3 अपॉन के प्लस 1, माइनस 2 इंटू 5K प्लस 7 अपॉन के प्लस 1, प्लस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 अपॉन 4 जो है वैल्यू आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके लिए लेके आएंगे 13.2, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।